वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज औरंगाबाद छावनी घोड़ा बाजार में, जैसे मैं पिछली वीडियो में अपडेट बतलाया था प्लेस से रिलेटेड, और घोड़े आ रहे थे, अभी भी देखिए आप कंटिन्यू घोड़े आ रहे हैं। ये वेडनेसडे का बाज़ार है, जैसे मंगल के दिन योला में होता और चारशंबा जुमेरा, दो दिन का यहाँ पर काम है। और देखिए बच्चे कल शाम में आए थे यहाँ बाज़ार में, काफ़ी सारे बच्चे सेल हो गए, फिर से बच्चे आए हुए हैं। तो कोई अगर घोड़ों के बच्चों के लिए भी आ रहे हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पर बड़े घोड़े हैं, स्टैलियंस, नुकरे, संजाब, हर कलर के घोड़े मिलेंगे और रेट भी बहुत शानदार है। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट चेयरमैन है, सऊद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से सऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भाई एक बार फिर से एड्रेस बतलाइए यहाँ का। देखिए भाई, औरंगाबाद के अंदर में, ये औरंगाबाद के सेंटर में है छावनी में, और बहुत पुराना बाजार है भैंसों और बकरियों के लिए ये जी। तो ये औरंगाबाद छावनी घोड़ा बाजार है ये, और औरंगाबाद का हार्ट है, यानी बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ से आपको 5 मिनट के रास्ते पे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा जी। और 10 मिनट के फासले पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जी। मतलब आने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं, यानी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 से 15 मिनट में। सिर्फ आपको अगर बस स्टैंड पे, अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी अगर आप पहुंच रहे हो, वहाँ पे 10 रुपए देके आप यहाँ पे आ सकते हो, तो आप समझ लीजिए कि कितना यहाँ पे है। तो अभी इस वीडियो में हम कुछ घोड़े भी कवर करेंगे यहाँ के, काफी सारे यहाँ के वीडियोस बतलाऊंगा मैं। और ये पहला बाजार है औरंगाबाद का, ठीक है सौरभ भाई। अभी यहाँ के, जैसे पिछली वीडियो में भी बतलाए थे, अब बिक्री चालू हो गई जी। पिछली वीडियो से इस वीडियो के दौरान मैं समझता हूँ सिर्फ आधा घंटा हुआ जी शूट करने में, तो इसके दौरान और दो घोड़े बिक गए ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उमर भाई, तेजी से बिक्री चल रही है, क्योंकि हमने जितनी बड़ी कमेटी बनाई है और जितने लोगों को जमा किया है, वो सबकी यहाँ पे कोशिश ये थी कि जो जानवर उतर रहे, जो व्यापारी जानवर यहाँ लेके आ रहे, उनके जानवर सबसे पहले बिकना, उसके लिए हमने जो मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब से अभी तक के 4 जानवर यहाँ पे बिक चुके हैं जी। तो अभी देखिए लाइनअप काफी सारे घोड़ों की यहाँ पर, ये और कंटिन्यूस जानवर आना चालू है अभी, क्योंकि सबको कंफर्म नहीं था। और ये पहला दिन है ना जी? ये पहला दिन है जी, और जुमेरात के दिन भी ये रहने वाला है जी। ठीक है, अभी ये घोड़े किसके हैं? ये हमारे के व्यापारी कौन है? ये घोड़े के व्यापारी हमारे मुन्ना भाई है, और उससे आपसे बाजार का जो यहाँ का जो बंदोबस्त है और कैसे जानवर है और अब तक के व्यवहार कैसा रहे, आप मुन्ना भाई से पूछ। मुन्ना भाई आप यूसुफ भाई के भाई है? आयुष भाई वाला भाई। चेहरा पूरा मिलता जुलता है माशाल्लाह। यूसुफ भाई के काफी सारे वीडियोस बनाया मैं, आपकी शायद 1-2 बार बनाया। हाँ हाँ जी। मुन्ना भाई कैसा लगा बाजार आके, कैसी बिक्री चल रही है? यहाँ पे जो इन लोगों ने जो सुविधा की, इज्जत की है, बहुत बेहतरीन है जी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे चारा की सहूलत बहुत अच्छी है, चारे पानी की। हाँ, चारा पानी की सहूलत। और एक खास सुविधा टेंट की, यानी शेड बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है। ठीक है, सहूलत अच्छी है। आपके कितने जानवर बिके हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरे 3 जानवर तक बिक चुके हैं। 3 जानवर बिक गए। कौन से जानवरों में काम करते हैं, बड़े या बच्चे? बच्चे बड़े दोनों काम करते हैं। बच्चे बड़े दोनों। तो ये अभी आप ही के? हाँ बिल्कुल हमारे। चलिए मुन्ना भाई कुछ आपके जानवर बतलाइए। सबसे पहले ये वाला एक है, कौन सी नस्ल का है? ये मारवाड़ नस्ल का बच्चा है भाई साहब। मारवाड़ नस्ल, अभी अदंत बच्चा है, देखो अभी अदंत है। अदंत है ये, देखिए आप अदंत बच्चा है, बहुत खूब। क्या हाइट पे है अभी? ये अभी 57 हाइट है। 57 हाइट है। हाँ। और पंचकल्याण है ना? हाँ, पंचकल्याण है। चौथे पैर पे जवाब भी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और क्या उम्र है अभी इसकी, कितने महीने का होगा? ये 16 महीने की है। 16 महीने का। हाँ, घोड़ा या घोड़ी है? ये नर है। नर घोड़ा है। हाँ। ठीक है, और क्या मांग रहे हैं आप इसके? इसके भाई साहब 55,000 रुपए मांग रहे हैं। 55,000 आसिंग प्राइस, बहुत खूब। इसमें कम भी हो जाएंगे? चलिए, और इसके बाद ये एक है, ये कौन सा कलर है? ये नीली सब्जी बोलते हैं। नीली सब्जी। हाँ, बच्ची है। सिंधी में है ना? हाँ, सिंधी में। सिंधी में बच्ची है, घोड़ी है अभी? हाँ, घोड़ी है, बच्ची है, बच्ची अभी, बच्ची है अभी। हाँ। फिल्ली है देखिए अभी, और ये भी पंचकल्याण है। चेहरे पे ब्लेज, चारों पैर पे सॉक्स है इसके, मार्किंग भी अच्छी है। क्या हाइट है अभी? अभी इसकी आयत 56 हाइट। और उम्र क्या है इसकी? उम्र अभी यही 14-15 महीने की बच्ची, देखो 14-15 महीने। ये भी अदंत है? हाँ, बहुत खूब। क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके बाद आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं। 60,000 मांग। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी ये देखिए, यहाँ से अगर आप लोग आ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद ये एक है, ये भी बच्चा है? बच्ची, बच्ची है, ये भी बच्ची है। और ये कौन सी नस्ल की है? मारवाड़ी नस्ल की बच्ची, मारवाड़ में है। क्या उम्र है इसकी? ये उसकी 13 महीने की उम्र है। 13 महीने की है। और क्या हाइट है अभी? हाइट क्या है इसकी? 55 हाइट है। क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके 45,000 रुपए। 45,000, 45,000 आस्किंग प्राइस है। और हल्की सी कुमेत है ना? हाँ जी। दो पाँव सफेद है। दो पाँव कौन से, पीछे का एक है ना? ये इधर ही सफेद है। अच्छा, ये पैर भी है। हाँ, दो पाँव सफेद है इसके। ठीक है, और ये वाली? ये मादी है। ये बड़ी मादी है। हाँ।
और ये भी मारवाड़ में? हाँ ये भी मारवाड़ में। क्या हाइट है इसकी? 60 प्लस है। 60 प्लस, हाँ। और चंपी है ना? हाँ चंपी है। देखिए घुटनों के ऊपर जब कलर आ जाता है तो चंपी हो जाती, वरना पंचकल्याण रहती है। सॉक्स ऊपर तक है इसके और चेहरे का बिल्कुल खुला बड़ा ब्लेज है। इसकी क्या उम्र है? इसकी 7 साल उम्र है। 7 साल, हाँ। और इससे पहले बच्चे दी हुई है? हाँ अभी इसके नीचे बच्चा था, अभी बच्चा था। हाँ भाई दिया बच्चा। ठीक है तो अभी खाली है? हाँ ठीक। ये भी सेल हो चुकी है। क्या उम्र की है? 7 साल। 7 साल की। हाँ। और क्या हाइट है? 60 प्लस है। 60 प्लस। इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके 65,000 मांग रहे हैं। 65,000। 65,000 के अंदर देखिए, बहुत ही शानदार घोड़ी है। लेंथ हाइट अच्छी है। आप जो हाइट बतला रहे हैं सुन छोड़ के है या सुन मिलाकर? सुन मिला के बता रहे हैं। सुन मिला के। ठीक है। राइडिंग वगैरह सब चालू है? चालू, राइडिंग चालू है। बहुत खूब। तो चलिए आप लोग आइए, यहाँ पर मुन्ना भाई भी है और काफी सारे ट्रेडर्स है, नाचने के घोड़े ये सब मिलेंगे। बच्चे भी आते रहते हैं आपके पास? हाँ आते रहते हैं। पीछे का घोड़ा किसका है? पीछे घोड़ा मतीन भाई का है। मतीन भाई का है। उन्होंने लाए थे, वो बिक गए। हम ही लाए थे, वो बिक गए। अच्छा ये बेच भी दिए? हाँ बेच भी दिए। आया माल और बिक भी गया। ओके बहुत खूब। तो चलिए और भी व्यापारी कहीं चलेंगे। सऊद भाई पैसे ले लेंगे। ये देखिए आप, यानी बिक्री भी चल रही है यहाँ पर, सौदा भी हो रहा, लेकिन अब रेट नहीं बतलाऊंगा मैं क्या रेट में बिका, क्योंकि अपने पर्सनल खरीदी के ऊपर रहता। आप लिए घोड़ा कौन सा? ये वाला। ये सौदा कौन करा है सऊद भाई? ये माशाल्लाह से बस आपस में जो है हमने करा दिए। मैंने करा, आप ही करा दिए। क्या डिटेल है वैसे इस घोड़े की? दो दांत है और 59 प्लस हाइट है। दो दांत पे 59 प्लस और कान एक नंबर। माशाल्लाह से हर नस्ल में उसमें बहुत बढ़िया घोड़ा है। बहुत खूब। ये भी मुन्ना भाई का घोड़ा था हमारे। अच्छा ये भी मुन्ना भाई का? हाँ बस वही। मुन्ना भाई के रेट्स अच्छे होते, इस वजह से सेल जल्दी होता ना। हाँ रेट्स के अलावा क्वालिटी अच्छी लाए थे। ये बारे में कुछ जानवर तो लोगों ने लेके भी चले गए थे, जो जैसे माल रात में उतरा था। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बिक्री और लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मुन्ना भाई, हमारे सऊद भाई ज्यादा है इसके अंदर। सऊद भाई ने भी ये घोड़े का सौदा करा के दिए। अच्छा सऊद भाई, अभी मुन्ना भाई तो खैर बिजी है, लेकिन अगली बार कितने घोड़े लाने वाले हैं मुन्ना भाई? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो उनका रिस्पांस रहा है ना, तो उन्होंने खुद से उनका ये बोलना है कि इंशाल्लाह इस बाजार या अगले बाजार, क्योंकि उनको भी तो घोड़े जमा करना है। बिल्कुल। तो हमारे जैसा कि बाजार वाले जो सामान वाले हैं हमारे जमील भाई, उनका बोलना ऐसा है कि दो घोड़ी वो खुद लाने वाले हैं और ये कम से कम दो गाड़ी लाने वाले। तो चार गाड़ी माल सिर्फ दो व्यापारी लाने वाले, बाकी अलावा जो माल आएगा किसान भी वो अलग है। बिल्कुल। और ये घोड़े किसके हैं जो बाजू है? ये घोड़े हमारे भाई अपने, ये जो घोड़े ये भी हमारे इनके ही है, क्या बोलते हैं, महाराणा के, यूसुफ महाराणा के। यूसुफ भाई के? मतलब इनके साथ में कुछ लोगों ने मिलाकर लेके आए, वो यूपी वाले व्यापारी है। अच्छा। देख रहे किसकी, यूसुफ भाई कर रहे हैं। मतलब सिंधी है ना ये? जी। क्या होंगी इसकी हाइट? 58 हाइट है। 58। और घोड़ी करीबन 10 महीने की प्रेग्नेंट भी है। अच्छा यानी एडल्ट घोड़ी और प्योर सिंधी है। प्योर सिंधी है। इस वजह से हाइट 58 है इसकी। कान पूरे खुले है, अबलग है, पैर वगैरह पैरों में साफ सूफ है। और इसके बाजू वाली ये? वो काठियावाड़ घोड़ा है, प्योर काठियावाड़। अच्छा ये घोड़ा है। और रास्ते लगे देखिए, एक पैर वाइट है इसका, पीछे का भी एक पैर वाइट है, दो पैर वाइट है जी। और जैसे कि आपको मालूम है कि काठियावाड़ नस्ल थोड़ी जरा तेजी होती है, तेजी आती है, एग्रेसिव होती है। क्या हाइट होंगी इसकी वैसे? इसकी 59। अच्छा क्या प्राइस हो सकता है इसका एक्सपेक्टेड, क्योंकि ओनर तो है नहीं साथ में? जी मेरे हिसाब से यूसुफ भाई इसके 60,000 रुपए मांग रहे हैं। 60,000 जी। सिंधी चाल की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होता है अभी तो नो, मतलब अभी देखिए मैंने खुद ने खोल के नहीं देखा हूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट 10 महीने के खरीफ किए, तो हम खुद उसको जरूरी नहीं समझते। देखिए काफी सारे और भी घोड़े आ रहे हैं यहाँ पर, नुकरे है, संजाब है, तो आप लोग फायदा उठा सकते हैं। मैं फिर बतला रहा हूँ, औरंगाबाद बहुत ज्यादा करीब है। स्पेशली मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश यहाँ के लोग बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं। आप लोग आइए यहाँ पर। उसके अलावा जो है ना, इनके जो घोड़े चालबाज घोड़े आए हुए इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वहीद पटेल। वहीद पटेल औरंगाबाद के। ये भी एक बहुत पुराने शौकीन और व्यापारियों में से आते हैं, ये भी वहीद मौलाना, जिन्होंने चालबाज घोड़े हैं। सिंधी घोड़ी है और एक मारवाड़ी। कहाँ पर है? आइए। ठीक है। तुम्हारे पास सिंधी घोड़ी है? ये सिंधी घोड़ी है आपकी? चाल देखिए सिंधी में बहुत ज्यादा होती है। अभी हिट पे है? हाँ हिट पे ही है अभी, क्योंकि अभी बाजार में लेके आए घोड़े हैं तो हिट पे आ गई। बिल्कुल। बाजार में देखने के बाद क्या हाइट की है? 58 माप है। और क्या मांग रहे हैं इसके आप? मांग रहे हैं 2 लाख। 2 लाख आसिम प्राइस है। ठीक है। क्या स्पीड है इसके चाल की? स्पीड आएगी 35। ये कॉमन स्पीड है ना? कॉमन स्पीड के अलावा थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर आपको बढ़ाना है आप थोड़ी मेहनत करके और बढ़ा सकते हैं। और मेहनत कर लेंगे तो और भी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि एवरेज साइज तो 30 है ना, एवरेज स्पीड जो आती है घोड़े की वो 30 के आसपास चाल के अंदर। अब अगर 35 बोले तो एक एवरेज साइज से ज्यादा है। बिल्कुल।
नॉर्मली देखिए गैलप में घोड़े बहुत ज्यादा स्पीड चलते हैं, लेकिन चाल की एक अलग वैल्यू होती है, इसकी एक अलग रेस होती है। तो ये 30-35 ये कॉमन है, आप लोग उसके लिए ले सकते हैं। और कौन से हैं आपके? मैं जब से सोच रहा था ये बाजे वालों की आवाज नहीं आई बाजार में अब तक। ये उमर भाई ये फार्म की घोड़ी थी आपके पास? नहीं। चलिए एक काम करेंगे सोच भाई, अभी बैंड स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा डांस बतला देगी, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। ये बच्चे चले इसी तरह और बहुत सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।